ठीक है, चौथा फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया। उसके बाद पांचवा, मैं लाइन से नहीं चल रहा जैसे आपके पास लिखा हुआ है, मैं आगे पीछे करूंगा। पांचवा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल्स, HOL। अल्कोहल्स क्या होता है? अल्काइल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है। इस OH को कहते हैं हाइड्रोक्सल, और ये क्या है? अल्काइल है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे मैंने लिखा C2 के साथ हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो से, डबल से दो ज्यादा। डबल से दो ज्यादा कितने होंगे? छह। ये क्या बना हुआ है? इथेन। लेकिन हम इसमें से एक काम करें, पांच कर दें और इसके साथ क्या लगा दें? OH। तो अब ये क्या कहलाएगा? इथाइल अल्कोहल। ये क्या कहलाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसमें ये वाली चीज किसको शो करती है? अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप क्या करते हैं, और उस हाइड्रोजन की कमी को, ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, हाइड्रोक्सल में ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, एक वैलेंसी इस वाले हाइड्रोजन से पूर्ण हो गई है और एक वैलेंसी फिर इस कार्बन के साथ पूर्ण हो गई। इस तरह से ये कहलाता है अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्कोहल। ये समझ में आ गया? दूसरे अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूँ OH ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है, OH ग्रुप मिलकर, इसमें ऑक्सीजन की एक वैलेंसी शो हुई भी और कार्बन के साथ एक वैलेंसी से अटैच हुआ, तो ये दरअसल अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड है। सही है, इसका नाम रखने का भी तरीका है, अभी हम इसका नाम अब अगले टॉपिक में हम नाम कैसे रखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्कोहल हो गया। उसके बाद छठी फैमिली है फंक्शनल ग्रुप जो मैं आगे पीछे करके पढ़ा रहा हूँ आपको, उसका नाम है एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दरअसल कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होगा और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन होगा। कार्बन की चार वैलेंसियां है ना, चार वैलेंसियों में से किसी दो वैलेंसी पर कौन लगा होगा? ऑक्सीजन। एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन फिनिश्ड हो जाएगा और ये वाली चेन लंबी चल रही होगी, अल्काइल ग्रुप। ऐसा कंपाउंड जिसमें ये वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। सही है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने लिखूं C, और इसकी दो वैलेंसियों के साथ क्या लगा दूं? ऑक्सीजन, और एक वैलेंसी के साथ क्या लगा दूं? हाइड्रोजन। बाकी इसकी तीन वैलेंसी के साथ क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आ गया इसमें, ये वाला, इसमें कार्बन है, ये रहा कार्बन, इसमें ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, ये रहा ऑक्सीजन, इसमें एक के साथ क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन, और दूसरे के साथ क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप लगा हुआ। ये अल्काइल ग्रुप क्या है? C2 H5। ये कार्बन के दो वैलेंसियां बिजी हैं, दो वैलेंसियों बिजी करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो अब इसका नाम होगा इथाइल एल्डिहाइड। अभी हम नाम जब रखेंगे तो देखेंगे वहां पर एल्डिहाइड का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो ये छठा ग्रुप हो गया। सातवां ग्रुप भी इसी जैसा है, इसको हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन्स। कीटोन्स फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली, कीटोन्स फैमिली। कीटोन्स फैमिली में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ अल्काइल लगे हुए हैं। दोनों तरफ क्या लगे हुए? अल्काइल। इस तरफ भी अल्काइल और
स्पेस में क्या फर्क है? इसमें एक तरफ एंड हो जाता है हाइड्रोजन का, दूसरी तरफ अल्काइल की चेन होती है। यहाँ इस तरफ भी अल्काइल की चेन होगी और इस तरफ भी अल्काइल की चेन होगी। तो फिर इस कंपाउंड की फैमिली को आप क्या कहते हैं? कीटोन्स। ये कीटोन्स हैं। ये बात क्लियर हो गई? आसान है, मुश्किल है? उतारें इसे।